हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शशांक तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लैक्स कोचिंग में। तो डियर स्टूडेंट, थंबनेल देख के आपको पता चला होगा कि आज हम लोग रसायन विज्ञान की कौन सी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके पहले हमने एक क्लास लिया था जो क्लास टेंथ के लिए स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी 9th से 10th में गए हैं तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में, तो उसके कुछ पार्ट्स बचे हुए थे, तो आज हम लोग उसी पार्ट्स पे, उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए, हम लोग एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी जब कोई नया चीज पढ़ने को मिलता है ना तो बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट के साथ ये जितनी भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ते रहिएगा, जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो इस पे आप एकदम फोकस करके पढ़िए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक नए नए अपडेट पहुंचते रहे, और अपने चैनल पर सारे सब्जेक्ट के क्लासेज उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत जल्दी सारे क्लासेज आपको मिलने लगेंगे और चैनल पर आप लोग बने रहिए। तो डियर स्टूडेंट, एक बात है, जो तूफान में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। डियर स्टूडेंट, तो जो तूफान में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। तो तूफान से लड़ने की क्षमता आप लोगों में है, और आप लोग तूफान से लड़ते रहिए और एग्जाम को क्रैक करते रहिए। चलिए, देर ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज की जो अपनी टॉपिक है, जो आज की अपनी पॉइंट्स है, वो है प्रबल अम्ल। तो शब्दों से ही आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट कि प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल जो है किसे कहते हैं। तो आप ये चीज आप ध्यान में रखिए, प्रबल का मतलब क्या है, जो अधिक बलशाली हो, जिसके पास अधिक ताकत हो, वो प्रबल है, वो प्रबल दावेदार बोलते हैं ना, प्रबल दावेदार मतलब उसके पास क्षमता अधिक है। तो आज हम लोग बात जो कर रहे हैं अम्ल के बारे में डियर स्टूडेंट, वो आपका है प्रबल अम्ल। ये पॉइंट्स छूटी हुई थी पिछले वीडियो में, तो आज हम लोग उसको कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रबल अम्ल के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रबल अम्ल क्या है। चलिए, और ध्यान से किसी भी चीज को आप समझिएगा, पढ़िएगा, अगर कुछ भी ऐसी पॉइंट्स आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड इसको इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसकी परिभाषा है, वे अम्ल जो जली विलयन में पूर्णता आयनित हो जाता है, मतलब कि अम्ल एसिड जो जल में पूर्णता पूरी तरीके से घुल जाए, उसका कोई भी पार्ट, थोड़ा भी पार्ट बचे ना, पूरी तरीके से जल में घुले, और घुलने के बाद अधिक मात्रा में आपको H प्लस आयन दे। क्या दे? H प्लस आयन अधिक मात्रा में दे, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन अगर अधिक मात्रा में देता है तो वो आपका प्रबल अम्ल कहलाता है। तो चलिए, हम फिर से आपको एक बार समझा देते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णता आयनित हो जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है, पूरी तरीके से आयन में परिवर्तित हो जाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल में H2SO4, HCl, HNO3, ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्यों है? क्योंकि अगर इनको आप जल में घोलते हो, ये जल में इनको आप डालते हो, तो ये जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, पूरी तरीके से आयन में बट जाते हैं, पूरी तरीके से आयन में टूट जाते हैं। ये जो आपके लिए क्लास में लेके आया हूं डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी क्लास में आपको अम्ल पढ़ने को मिलता है, एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अम्ल के बारे में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, तो H2SO4 HCl है और HNO3 है, ये प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल है। और आप इनको जब जल में घोलते हो, इनकी अभिक्रिया जल से कराते हो, तो ये पूरी तरीके से जल में आयनित हो जाते हैं, और जल में आयनित होने के बाद ये H प्लस आयन का निर्माण करते हैं। और जहां पे कोई भी अम्ल जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाए वो प्रबल अम्ल कहलाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसकी कुछ विशेष बातें हैं, और विशेष बातों पर चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विशेष बात क्या है, प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात, देखिए, प्रोटॉन अर्थात
या हाइड्रोजन आयन, जो प्रबल अम्ल होगा उसमें जो प्रोटॉन उपस्थित होता है, आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो जो प्रबल अम्ल होता है उसमें जो प्रोटॉन उपस्थित होता है या फिर जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है, आप पिछली वीडियो में देखिएगा तो उसमें मैं बताया हूं कि अम्ल को कैसे पहचाना जाता है, अम्ल की पहचान कैसे की जाती है, वो सारी बातें हमने पिछली वीडियो में बताया। तो इस वीडियो में पिछली वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखेंगे, बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए, तो प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात H+ मतलब हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। तो जो प्रबल अम्ल होता है डियर स्टूडेंट, उसमें इतनी पावर होती है कि वो अपने अंदर से प्रोटॉन जो होता है उसको या फिर हाइड्रोजन आयन को त्यागने की अधिक क्षमता होती है, तभी ना वो प्रबल अम्ल है। अपने अंदर से अधिक मात्रा में H+ आयन देता है, और जब अधिक मात्रा में H+ आयन देता है तभी ना प्रबल अम्ल कहलाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट में हमने आपको लिखा है, प्रबल अम्ल अपने संघटक तत्वों के को आयनों में विखंडित हो जाते हैं, मतलब जो प्रबल अम्ल होते हैं उनके साथ जो तत्व हैं, जैसे यहां पे आपको देखने को मिल रहा है H2SO4, तो अगर आप इसका जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, इसको जल में घोलेंगे, तो ये किसमें टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, आयनों में। किसमें? आयनों में ये क्या हो जाता है, विखंडित हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, HSO4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ये प्रबल अम्ल के बारे में, हमने आपको बताया, अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको उत्तर उपलब्ध करा दूंगा। अब यहाँ पे प्रबल अम्ल है और दूसरा है दुर्बल अम्ल। अच्छा, शब्दों से समझ में आया कि दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती होगी और किसी दूसरी चीजों की मात्रा अधिक होती होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे दुर्बल अम्ल पे, कि दुर्बल अम्ल क्या है। चलिए, दुर्बल अम्ल ठीक जो प्रबल अम्ल है उसी का अपोजिट चलता है। चलिए ध्यान दीजिए, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णता आयनित ना होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं, मतलब कि उनके कुछ पार्ट बचे रहते हैं, वो पूरी तरीके से जल में नहीं आयन में परिवर्तित होते हैं, तो उन्हें हम आंशिक रूप से कुछ ही भाग उसके आयन में परिवर्तित होता है तो हम उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, जैसे CH3COOH, HCOOH, H2S, तो आदि ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। आप इनको जब जल के साथ अभिक्रिया कराओगे, इन्हें जब जल में घोलोगे आप, तो ये जल में इनके आंशिक मतलब कुछ ही भाग जल में आयनिक होते हैं, कुछ ही भाग जल में आयन के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो इनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल का मतलब है कि उसमें अम्ल की मात्रा जो होती है वो कम होती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके कुछ विशेष बातें हैं, दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों का पूर्णता त्याग नहीं करते। तो दुर्बल अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं, उनको ये पूरी तरीके से पूरे 100% तरीके से आयनों में परिवर्तित या आयनों में त्याग नहीं कर पाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयन, दुर्बल अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयनों का पूर्णता त्याग नहीं करते। अगर पूरी तरीके से त्याग कर देते तो वो दुर्बल नहीं होते, तब वो प्रबल हो जाते, ठीक है ना। तो जब ये हाइड्रोजन आयनों को पूर्णता त्याग नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत सारे एग्जाम में सांद्र अम्ल के बारे में पूछता है कि सांद्र अम्ल क्या होता है, ठीक है ना। तो सांद्र अम्ल के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल तो शब्दों से भी आप कुछ समझ सकते हैं, लेकिन सांद्र अम्ल थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा अलग है, इसलिए इस पर थोड़ा विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। और पढ़ाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, अगर आपके पढ़ाई नहीं है तो आपका जीवन वर्तमान समय में व्यर्थ है, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन का दौर इतना हो गया है कि अगर आप शिक्षित नहीं है तो आपको कहीं भी कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो आपको बेवकूफ नहीं बनना, आपको जानकारी होनी चाहिए आपके पास, तभी आप
कुछ नए मुकाम हासिल कर पाएंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, सांद्र अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। सांद्र अम्ल क्या है? तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल की मात्रा कम होती है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। ध्यान से बात को समझिएगा कि कोई अगर विलयन है और उसमें अम्ल की मात्रा अधिक है, अम्ल 70% है और जल 30% है। ध्यान से बात को सुनिएगा, ये बड़ा कंफ्यूज करता है अक्सर एग्जाम में सांद्र अम्ल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे मैं आपको एग्जैक्ट एकदम बातें बता रहा हूं। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल की मात्रा कम होती है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम, तो वो सांद्र अम्ल कहलाएगा। तो सांद्र अम्ल के कुछ उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे जैसे H2SO4 होता है डियर स्टूडेंट, H2SO4 ये आपका सांद्र अम्ल का एक उदाहरण है। H2SO4 ये H2SO4 बड़ा खतरनाक चीज होता है डियर स्टूडेंट। अगर इसको त्वचा पे डाल दिया जाए ना, त्वचा पे अगर डाल दिया जाए तो ये तुरंत त्वचा को क्या करता है, जला देता है। क्यों जला देता है? क्योंकि अम्ल का मात्रा इसमें अधिक है, अम्ल 70% है और जल हो सकता है 30% हो। तो अम्ल की मात्रा जिसमें अधिक रहेगी ना, वो नुकसानदायक भी होता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसको इस्तेमाल करते समय हमें बहुत सारे जो सेफ्टी होती है ना, उसको रखना पड़ेगा, तभी आप अम्ल को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है ना और जल की मात्रा कम होती है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। और एक दूसरी पॉइंट भी एग्जाम में आती है कि तनु अम्ल किसे कहते हैं। अरे यार, तनु 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 नाम क्या है तनु? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में, अल्प का मतलब होता है बेटा कम, ठीक है, जिसमें जो अम्ल होता है वो कम मात्रा में हो और जल क्या हो, अधिक मात्रा में हो, ठीक है ना। तो जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो और जल क्या हो, अधिक मात्रा में हो, वो आपका तनु अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल HCl, ठीक है। HCl जो होता है ना, इसमें आपको बता देना चाहता हूं कि इसका अलग अलग इस्तेमाल है। तो तनु अम्ल का मतलब है कि अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक, तो ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, जितना कि आपको अधिक मात्रा वाला अम्ल नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये अम्ल के कुछ पॉइंट्स थे जो बचे हुए थे पिछली वीडियो में, हमने आज उसको पूरा कवर कर दिया। तो अम्ल के बारे में अगर आपको जानकारी रखना है तो आप जो है पिछली वीडियो देखिए, और पिछली वीडियो से फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका अम्ल का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बात को ध्यान में रखिएगा, और जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो आपके एग्जाम में 100% मिलने वाला है डियर स्टूडेंट। और बेहतर तरीके से शिक्षा देने का काम हमारी टीम, जो फ्लैक्स टीम है, वो करती रहती है और आपके लिए निरंतर अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए उपलब्ध हम कराते रहेंगे, और अलग अलग क्लास भी आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।